फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी, माय सेल्फ रत्ना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में लघु हिमालय को देखेंगे। अभी तक हम हिमालय की उत्पत्ति, आपका फिर ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को देख चुके हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन थे, जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्शन था फ्रेंड्स, हम कंप्लीट करा चुके हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स पर्वत, पहाड़, दर्रे ये सब पूछा जाता है, कौन से स्टेट में है, किसको किससे अलग करता है, ये सब क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, तो आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारा ये सेशन शुरू किया गया है। हम उन सभी चीजों को कवर करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो, हमारा प्रयास जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको दो काम करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारे वीडियोज को लाइक करिए और हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमारा जो एफर्ट है, हम जो एफर्ट मार रहे हैं, उसका जो बेनिफिट है, वो सभी स्टूडेंट उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज हम पढ़ेंगे लघु हिमालय। फ्रेंड्स, लघु हिमालय जो है वो बृहद हिमालय से एमसीटी के द्वारा अलग होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम ऐसा इसलिए ये एरो के माध्यम से जो हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं, उसका बस एक मोटिव है फ्रेंड्स। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि लघु और बृहद को कौन अलग करती है। ठीक है, या फिर बृहद को लघु को शिवालिक से कौन से जो श्रेणी है वो अलग करती है, इसीलिए हम इस टाइप का लिखे हैं। ठीक है, तो लघु हिमालय बृहद हिमालय से एमसीटी के द्वारा अलग होता है और लघु हिमालय शिवालिक से एमबीएफ के द्वारा अलग होता है। एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमबीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट। ओके, फुल फॉर्म हम बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आरओ टाइप के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ दे, इसीलिए हम इसको कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लघु हिमालय का जो विस्तार है वो आपका जम्मू कश्मीर के पी पंजाब से लेकर पूरा नेपाल तक है। ठीक है, देखिए हम इसको मैपिंग के द्वारा हम समझाने की कोशिश किए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मे भी आपके एग्जाम में ऐसे इसका विस्तार पूछ दे, तो आप अगर डायग्राम के थ्रू अगर आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर डायग्रामेटिव वे में होता है, मतलब डायग्राम के फॉर्म में होता है, तो उन सभी चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो पीर पंजाब जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा नेपाल तक है। देखिए फ्रेंड्स, लघु हिमालय को ही हम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाब कहते हैं, और इसे हम हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, नागतिबा उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपका जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला है और दर्रा भी है, तो इन्हीं के नाम से इसे पीर पंजाल यहाँ पे कहा गया है। तो पीर पंजाल जो है फ्रेंड जम्मू कश्मीर में, वो है जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है लघु हिमालय का। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ फैक्चुअल चीज शुरू होता है कि लघु हिमालय का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पीर पंजाल। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे दो दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रे और बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, यू वी कैन से कि जम्मू को श्रीनगर से अलग करती है। ठीक है, तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दो है, बनिहाल दर्रा ही है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। नेक्स्ट वन धौलाधर, धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स, और धौलाधर जो है फ्रेंड्स वो आपका लघु हिमालय का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय श्रेणी है, सबसे दक्षिण का पर्वत श्रेणी है धौलाधर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नागतिबा। नागतिबा में फ्रेंड्स क्या है, नागतिबा जो है वहां पे मसूरी रेंज है फ्रेंड्स, तो ये मसूरी रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नागतिबा जो है वो मसूरी रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और नेक्स्ट वन महाभारत, महाभारत जो है वो नेपाल में, इसका मतलब कि इसे लघु हिमालय का विस्तार जो नेपाल में है उसे हम महाभारत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लघु हिमालय के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। ठीक है, शिवालिक का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, शिवालिक एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, श्रेणी है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो हिमालय के द्वारा, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती है, ठीक है, जो नदियां निकलती हैं उनके द्वारा जो अवसादों का निक्षेपण होता है। ठीक है, मतलब यूं सरल लैंग्वेज में बात करें तो हिमालय के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, जो गाद लाए जाते हैं, उनके निक्षेपण से शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो ये सबसे नवीनतम है, और इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान से लेकर, इसका विस्तार जो है आपका पाकिस्तान से लेकर पूरे यहाँ तक हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो ये आपका शिवालिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने वीडियो में कुछ पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।